तो देशित में अब भारत की सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। भारत सरकार अगले 10 साल में स्वदेशी फाइटर जेट के उत्पादन में तेजी लाने जा रही है। अब सुखोई, रफाल और अमेरिका के F-35 जैसे दुनिया के सबसे घातक फाइटर प्लेन की टक्कर देने वाले फाइटर प्लेन भारत में बनाए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने बड़ी संख्या में फाइटर जेट के इंजन खरीदने का फैसला किया है। अब 1000 से ज्यादा फाइटर जेट इंजन भारत सरकार खरीदेगी, जिससे देश में F-35 जैसे स्टेल्थ क्षमता वाले फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे। भारत सरकार की योजना एक दशक में आसमानी सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने की है। 1000 फाइटर जेट्स के इंजन खरीदने के बाद स्वदेशी फाइटर जेट्स के उत्पादन में तेजी आ जाएगी। जो 1000 फाइटर जेट इंजन भारत सरकार खरीदने वाली है, उससे तेजस मार्क 1 और मार्क 2 के अलावा 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का उत्पादन तेज किया जाएगा, जिसके बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। देखिए जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फ्रांस के रफाल और रूस के सुखोई जैसे प्लेन भारत खरीदेगा नहीं, घर में बनाएगा। अब दुनिया के सबसे घातक अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर F-35 जैसे प्लेन भारत मांगने की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेचने की तैयारी कर रहा है। अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अब तक दूसरे मुल्कों की तरफ देख रहे भारत में अगला दशक फाइटर प्लेन क्रांति का है। अब दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट स्वदेशी प्लेन उड़ाएंगे और दुनिया को अपना दम दिखाएंगे। भारत की सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की तैयारियों की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आप गर्व से भर जाएंगे और भारत की आसमानी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त भी हो जाएंगे। अगले एक दशक में भारत की तैयारी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों की संख्या में फाइटर प्लेन देश में ही तैयार करने की है और इसके लिए बड़ी पहल शुरू कर दी गई है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तैयारी कर रहे भारत के लिए अगला एक दशक एयरक्राफ्ट्स के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस दौरान भारत फाइटर जेट्स के 1000 से ज्यादा इंजन खरीदेगा। इन्हें उन स्वदेशी फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा जिनका उत्पादन भारत अगले दशक में करेगा। 1000 फाइटर जेट इंजन खरीदने का मतलब है कि भारत फाइटर जेट्स की कई स्वदेशी स्क्वाड्रन घर में तैयार करने जा रहा है। आपके लिए यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत घर में किस तरह के घातक फाइटर जेट्स तैयार करने जा रहा है। आपने बेंगलुरु में हुए एयर शो में दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की झलक देखी थी। हिंदुस्तानी सोच रहे थे कि ऐसा फाइटर जेट कब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा, लेकिन अगले दशक में भारत का ये सपना भी पूरा होने की तैयारी हो चुकी है। भारत 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है। इसके लिए 300 से ज्यादा इंजन खरीदे जाएंगे जो कि सबसे बड़े सौदों में से एक होगा। एमका के बनने के बाद भारत के पास भी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा और वो भी स्वदेशी। चलिए अब आप ये समझिए कि कितना ताकतवर होगा भारत का विदेशी स्टेल्थ जिसके निर्माण के लिए 294 इंजन खरीदे जा रहे हैं। पहला स्वदेशी दो इंजन वाला फाइटर जेट
खास डिजाइन की वजह से दुश्मन के रडार की पकड़ से बाहर होगा। आसमान में लगातार 10 घंटे उड़ान भरने की क्षमता रखता है। स्टेल्थ जेट में मिसाइलों को लोड करने के लिए खास इंतजाम है। आमतौर पर फाइटर में मिसाइल और हथियार विंग और जेट के नीचे लगे होते हैं और इनकी संख्या भी दुश्मन के रडार में आसानी से देखी जा सकती है, लेकिन इस स्टेल्थ जेट में मिसाइल जेट के निचले हिस्से में अंदर लगी होगी। हमारा उम्मीद है कि 2024 को ये जहाज का रोल आउट करेंगे हम लोग, 25 को इसका मेडन फ्लाइट होगा। इसका और एक बहुत खूबी है क्या, स्टेल्थ मोड में ये अंडर द बेली पेट के नीचे भी विपन ले सकता है, उसमें भी कॉम्बिनेशन है, मिसाइल ले सकता है, बॉम्ब्स ले सकता है, स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स और कॉम्बिनेशन इसका मिलावट ले सकता है। पांचवी पीढ़ी के एमका के अलावा भारत बड़े पैमाने पर तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के लिए इंजन खरीदने जा रहा है। भारत स्वदेशी जेट तेजस के लिए 83 इंजन खरीदेगा, जिनके लिए रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता कर लिया है। ये सभी उन्नत मॉडल वाले तेजस मार्क 1A जेट होंगे। तेजस के लिए इससे ज्यादा उन्नत मॉडल मार्क 2 के लिए 126 इंजन खरीदे जाएंगे, जिन पर काम चल रहा है। अभी 40 तेजस फाइटर जेट वायुसेना को दिए जा चुके हैं, जिनसे 2 स्क्वाड्रन तैयार हो चुकी है, लेकिन भविष्य में भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा तादाद तेजस फाइटर जेट की ही होगी। तो 2 स्क्वाड्रन ऑलरेडी जो है बनकर तैयार हो गए हैं और 16 जहाज जो है हर साल ये बनाने की जो है इन्होंने बीड़ा उठाया है कि 16 जहाज जो है बनाएंगे हम, लेकिन 16 जहाज भी हर साल बनाना भी हमारे रिक्वायरमेंट के लिए बहुत कम है। तो इसलिए जो है काफ़ी कोशिश की जा रही है कि जो है इस प्रोडक्शन को 16 से बढ़ाकर आगे और 20-30 तक किया जाए। भारत की रक्षा जरूरतों के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत एक ऐसा मील का पत्थर है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश बहुत टेंशन में हैं। लेकिन अब विक्रांत के लिए फाइटर जेट्स की तलाश हो रही है। कुछ दिनों पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA ने INS विक्रांत पर सफल लैंडिंग की थी। लेकिन माना जा रहा है कि विक्रांत के लिए फ्रांस के रफाल M या अमेरिका के F-18 को चुना जा सकता है। लेकिन भविष्य की तैयारियों को देखते हुए भारत स्वदेशी 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स तैयार करने की तैयारी कर चुका है। भारत एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले 2 इंजन वाले फाइटर जेट यानी TED-BF विकसित करने की तैयारी में है। हाल ही में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत से टेक ऑफ और लैंडिंग की थी। लेकिन नौसेना को 2 इंजन वाला फाइटर जेट चाहिए, इसलिए TED-BF का विकास किया जा रहा है। अभी 57 TED-BF बनाने की योजना है और उसके लिए 117 इंजन खरीदे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, जिन्हें विदेशी सहयोग से ही भारत में बनाए जाने की संभावना है। इसके लिए भी 228 इंजन खरीदे जाएंगे। हाल ही में बेंगलुरु में हुए एयरो इंडिया 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका इशारा भी किया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य में स्वदेशी फाइटर जेट स्वदेशी इंजन से ही उड़ान भरेंगे। ये तैयारियां बताती हैं कि अगला दशक भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में पूरी तरह सक्षम बनाने वाला है। तेजस मार्क 2 और एमका जैसे फाइटर जेट भारत को उन देशों की कतार में खड़ा कर देंगे जो दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट बनाकर उसे दुनिया भर में बेचते हैं, जिनके दम पर भारत की सुरक्षा भी मजबूत होगी और हथियार खरीदने वालों से भारत हथियार बेचने वाले देश की पहचान हासिल करेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, Zee Media। Zee News।